प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परमेश्वर बड़ा है। आइए हम भजन संहिता का अध्याय 23 वचन 4 को पढ़ते हैं। लेखक लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौटे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लेखक जीवन में कहीं भी रहने को तैयार है। यहाँ पर लेखक जीवन में कहीं पर भी रहने को तैयार है, बस वो चाहता है कि परमेश्वर उसके साथ रहे, क्योंकि वो जानता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कहीं भी रहूं, परिस्थिति कैसी भी हो, मैं उसके शांति में बना रहूंगा। हमें दोस्तों कई बार हमको लगता है कि मेरी सारी तकलीफें दूर होनी चाहिए, पर अगर हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाया है तो तकलीफें, परीक्षाएं, सताव जरूर आएंगी। मत्ती का अध्याय 5 वचन 11-12 में यीशु मसीह कह रहे, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सताव जरूरी है। दोस्तों इस वचन के आखिर में जो 23 अध्याय 4 में पढ़ा हमने भजन संहिता का, जहाँ पर आखिर में लिखा है तेरे सौटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोटे और ये लाठी से शांति कैसे मिले? तो ये ऐसा है, जब हमने अपने जीवन में परमेश्वर को अपनाया तो अब क्या होगा कि हमको पवित्र जीवन जीने की शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। और परमेश्वर इसमें हमारे साथ जुट जाते हैं, हमारी इस कोशिश में वो हमारे साथ होते हैं। ऐसे में परमेश्वर खुद हमको ऐसी परिस्थिति में रखेंगे, ठीक है, जहां पर सता होगा, जहां पर तकलीफों से भरी जिंदगी होगी। ये इसलिए ताकि हम उस परिस्थिति में दृढ़ हो जाए, हमारा विश्वास जो है वो मजबूत हो जाए, हम धीरज और संयम से जीवन जिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सब में परमेश्वर हमको अपनी शांति देता है, और ये शांति हमको तकलीफों का एहसास नहीं होने देती। आमीन। दोस्तों नए नियम में सताव जो है ना, उसका मतलब है आशीर्वाद, अनुग्रह, उसकी कृपा। अगर एक इंसान ने मसीह को अपनाया है तो ये उसके विश्वास की परीक्षा है। अगर उसने सच्चे मन से विश्वास किया है तो वो इस मार्ग से हटेगा नहीं, दृढ़ रहेगा, और परमेश्वर खुद उसकी मदद करेंगे। बाकी जिनका विश्वास नकली है वो अपने आप इस मार्ग से हट जाएंगे। दोस्तों इस दुनिया में इंसान के सामने दो तरीके की जिंदगी है, एक उसकी खुद की जिंदगी और दूसरी परमेश्वर की जिंदगी। खुद के तरीके या मतलब से जी हुई जिंदगी शायद आसान हो सकती है, क्योंकि इंसान गलत रास्ते का इस्तेमाल करता है, मगर ये रास्ता नरक की ओर लेके जाता है। मगर एक विश्वासी परमेश्वर की जिंदगी जीता है, जो दूसरा कुरिन्थियों पत्री अध्याय 4 वचन 9 की तरह होती है, जिसमें पौलुस कहता है, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। और ये जिंदगी वैसे तो आसान नहीं है, मगर परमेश्वर इसको आसान बनाता है अपनी शांति से। आमीन। दोस्तों आज कई सारे इंसानों को लगता है कि ये जिंदगी जो है मुझे मिली है ये बहुत बड़ी है, मुझे इसके एहसान मानने चाहिए इस जिंदगी के, मगर वो जिंदगी देने वाले को भूल जाते हैं। ऐसे में मेरे विश्वासी दोस्तों को मुझे कहना है कि आज परमेश्वर आत्मिक रूप से हमारे साथ है। ऐसे में जीवन जीते हुए मुसीबतें आएंगी, शायद हम कहीं पर असफल भी हो जाए, मगर निराश मत होना, क्योंकि मुसीबतों और असफलता के जरिए परमेश्वर हमें कुछ
सिखाना चाहते हैं। उसे जिंदगी से सीखो और जब सीख जाओ तब परमेश्वर की मदद से इसी जिंदगी को बताओ कि जिसने हमें ये जिंदगी दी है वो परमेश्वर बड़ा है, वो परमेश्वर महान है, ये जिंदगी नहीं। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे।